students, how are you all? I hope that all are good. So student, in today's revision class we will do the revision of how to expand numbers, yani expanding numbers in different ways. Here I will tell you the two different ways to expand the number. So starting with the simple number, that is 52. तो जो 52 है, तो 52 को अगर जैसे जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है इसे, तो ये इस फॉर्म को मैथ में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ नंबर. नाउ जो 52 है वो किस तरीके से बना हुआ है, सो वी कैन से दैट इफ वी विल एड 2 इन 50, इट मीन्स जब मैं 50 में 2 ऐड कर लूं, देन इट विल बिकम 52. सो दिस 52 इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. ये जो 50+2, यानी इसको ब्रेक करके हम जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है, ये फॉर्म जो कहलाया, ये फॉर्म क्या कहलाया, एक्सपेंडेड फॉर्म. सो स्टूडेंट, हेयर आई टोल्ड यू दैट वी विल स्टडी द एक्सपेंडिंग नंबर्स हेयर इन डिफरेंट वेज. तो देयर इज टू डिफरेंट वेज टू राइटिंग अ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं. फर्स्ट वे इज लाइक दिस, सिंपल. लाइक 52 है तो 50+2 वी कैन राइट. नाउ द अनदर, दिस इज द फर्स्ट वे. द सेकेंड वे इज द सिमिलर टू इट. सेकेंड वे भी सिमिलर है. बोथ द वेज आर, मतलब जो दोनों तरीके हैं, मेथड हैं, वो इक्वली हैं, बस थोड़ा लिखने का तरीका इज डिफरेंट. ओके, सो 50. सो हाउ 50 इज फॉर्म. 50 कैसे बना, 5 × 10. 5 × 10 करके क्या फॉर्म हुआ, 50. सो वी कैन राइट 5 × 10 एंड 2 × 1. तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा. सो दिस इज द अनदर वे टू राइट 52 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. इन एक्सपेंडेड फॉर्म के तरीके से अगर हम इसे शो करना चाहें तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, 50 × 10 + 2 × 1. ओके स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जाम्पल. हेयर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 345. ओके, सो 345 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो लिखा हुआ है, 345 स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसको अब हमें किसमें करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. तो हम फर्स्ट वे को ए से शो करेंगे, सेकेंड वे को बी से शो करेंगे. सो फर्स्ट वे तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वंस, टेंस, हंड्रेड. फर्स्टली हमें इनकी प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो फॉर वंस, टेंस, हंड्रेड, और जो हमने प्लेस वैल्यूज का जो रिविजन किया है वो प्रीवियस लेसन में हमने कर चुके हैं. सो आई होप दैट यू नो इट. वंस, टेंस, हंड्रेड. तो 3 इज इन द प्लेस ऑफ 100, इट मीन्स 345 हम इसे रीड कर रहे हैं. तो हम इसे लिख सकते हैं 300 + 40 + 5. सो दिस इज द वे हाउ टू एक्सपैंड दिस नंबर. तो इस तरीके से हम इस नंबर को एक्सपैंड कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट वे. दिस इज द फर्स्ट वे. सेकेंड, सो वी कैन राइट 3 × 100 + 40 × 10 + 5 × 1. सो इस तरीके से, सॉरी, 3 × 100 = 4 × 10 + 5 × 1. तो 3 × 100 300, 4 × 10 = 40, 5 × 1 = 5. तो ये 340 + 5, तो 345. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 4578. सो फर्स्ट वे, द फर्स्ट वे वी कैन राइट इट 4000 + 500 + 70 + 8. देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. तो 4 इज इन द प्लेस ऑफ 1000, इट मीन्स इट इज, इट जो 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4000. 5 500, 7 70 8 8. ओके, सो 4570 + 8 = 78. नाउ द अनदर वे इज 4 × देखो 4000 को ही हमें क्या करना है, और ब्रेक करना है, तो वो दूसरा तरीका बन जाता है हमारा. देखो 4000 है, तो 4 × 1000 दैट विल बिकम द 4000. तो 4 × 1000 वी कैन राइट 500. तो 5 × 100, 70. 7 × 10 + 8 × 1.
So this is the example of 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number. Now I am taking the example of 5-digit number. 10,000 place value is the greatest place value in it. 51,326. So 51,000. So 5. How many zeros we will write here? Because 5 is in the place of 10,000. 1, 2, 3, 4 zero we will place. Okay, so ye ho gaya 50,000 plus 1,000. 1 is in the place of 1,000. 1, 10, 100, 1,000. So 1,000 plus 300 plus 20 plus 6. 20 plus 6. Now, the second way we can write this like 5 into 10,000. Okay? Plus 1 into 1,000. अब 1,000 को किस तरह से लिख सकते हैं? 1 into 1,000, 1,000. Like 300, 3 into 100. Plus 20 कैसे लिख सकते हैं? 2 into 10. Plus 6 into 1. So like this we can do the we can write the numbers in their expanded form. तो इस तरीके से हम numbers को expanded expand कर सकते हैं, expanded form में लिख सकते हैं. एंड कितने तरीके से, जो देयर आर टू डिफरेंट वे टू राइट इट. तो दोनों ही तरीके सेम ही हैं, बिकॉज अगर हम इन्हें फिर से कैलकुलेट करें तो जो क्वेश्चन था ये वही सेम बनेगा. लाइक 4,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8, तो ये बनेगा 4,578. एंड यही चीज जो है इस तरीके से हमने डिफरेंट वे में शो कर रखी है. तो लाइक दिस वी कैन डू द एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स. So student, the next topic is how to write a number in terms of other numbers. How to write a number in terms of other numbers. Of other numbers. Okay. So in this topic, I want to tell you that how we can write a number in different way. Like I have take one example, one number that is 45. तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? This thing you have already learned in class 4. Class 4 में आपने ये चीज पढ़ी होगी in the chapter of money chapter. Okay, so this thing mostly used in the money chapters. मतलब जो money related chapters होते हैं वहां पर हम इस चीज को use करते हैं. लाइक 45 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? 20 प्लस 20 प्लस 5, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ. यहाँ पे अलग और तरीके भी हैं 45 को लिखने के. तो और किस तरीके से लिख सकते हो? लाइक 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5. और हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5. एंड देयर आर सो मेनी वेज टू राइट दिस नंबर. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ thing we do in the money chapter when we have to write the numbers according to the rupees. Like जो भी number हमें given है हमें उन्हें 20 rupees के according लिखना है या 10 rupees coin के according लिखना है, 10 rupees या 10 rupees के coin के according लिखना है. So this thing हम वहाँ use करते हैं. Okay, so here I have tell you that you should remember it कि हम इस तरीके से भी number को क्या कर सकते हैं, break कर सकते हैं. Like if we take an example that we have to give 45 rupees to a shopkeeper, हमें 45 rupees shopkeeper को देने हैं. It means we have buy something, हमने कोई चीज खरीदी है and in return of it हमें 45 rupees उसे देने हैं. तो we can give him 20 plus 20, यानी 20 rupees के नोट, 220 rupees के नोट और 15 rupees का coin देकर हम उसे 45 rupees दे सकते हैं. ओके, एंड देर आर थ्री वेज में मैंने इसे शो किया है. या तो फिर आप 20 रुपीज का नोट एंड 10 के नोट और 15 के नोट के अकॉर्डिंग भी आप इसे उसे गिव शॉपकीपर को मनी रिटर्न कर सकते हैं. या फिर 10 के 4 नोट एंड 15 रुपीज के कॉइन से आप क्या कर सकते हो, 45 रुपी का अमाउंट शॉपकीपर को रिटर्न कर सकते हो. तो इन दिस टॉपिक दैट इज ऑल. ओके, now the next topic and very important topic is the unitary method.
यूनिट थ्री मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था एंड रिवीजन भी हमने एग्जाम टाइम में इसका किया था. सो व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड इज टेक्निकली मींस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि यूनिटरी मेथड में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द सिंगल यूनिट. इट मींस कि यहाँ पर जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम में फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट, मतलब सिर्फ सिंगल चीज, पहले एक चीज के बारे में हम फाइंड करते हैं, देन फाइंडिंग द नेसेसरी वैल्यू, उसके बाद हम जो भी आगे की जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया होता है उसका आंसर करते हैं. तो यानी फर्स्ट स्टेप इन इट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन, यानी एक चीज की वैल्यू को हमें पहले फाइंड करना है, देन वी विल फाइंड द डिफरेंट, मतलब देन वी विल फाइंड द थिंग दैट द क्वेश्चन हैज आज जो क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, सो इसमें जो होता है बेसिकली यूनिटरी मेथड में हमें क्या करना होता है, फर्स्टली हमें जो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में जो भी चीजें हमें गिवन है, यानी जो हमें चीजें नोन है, नोन टू अननोन हमें जाना होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज रुपीज 80, सो फाइंड द cost of 5 books. Okay, so here is a question. Cost of 8 book is 80 rupees and so find the cost of 5. Cost of 8 books is 80 rupees, so find the cost of 5 books. 8 books ki cost hume pata hai and we have to find the cost of 5 books. So first of all we have to read the question carefully and we have to understand कि book question जो हमारे पास है, question में क्या चीजें हमें given है, and जो चीजें हमें given है उनका use करते हुए we have to move forward in this question. So here is written that 8 books की जो cost है वो 80 rupees है, यानी ये चीज हमें known है कि 8 books की cost कितनी है, 80 rupees, it is known to us. So we have to find the cost of 5 books. बट वी नो दैट वी आर यूजिंग द यूनिटरी मैथड, सो ये यूनिटरी मैथड से ही हम इसे सॉल्व करेंगे. तो यूनिटरी मैथड में हमने भी मैंने आपको बताया दैट फर्स्टली वॉट विल बी डू, वी यूज द गिवन थिंग्स, जो भी हमें थिंग्स पता है पहले हम उसका यूज करते हुए किसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ वन थिंग. When what is the thing here? Thing is the book. यानी यहाँ पे book के बारे में बात करी गई है. तो 8 books की cost हमें पता है, तो हम 8 books की cost जो हमें पता है उसकी help से हम क्या find out करेंगे, 1 book की cost find out करेंगे. So first we have to do this. So हम क्या करेंगे इसके लिए, let's solve it. The cost of 1 book. 1 book की cost find out करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. टोटल वैल्यू ऑफ द थिंग जो यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे हमें पर क्या दे रखा है, बुक्स दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक या टोटल वैल्यू ऑफ बुक भी आप बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स. यानी टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स कितनी दे रखी है, 80, एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ये जो कॉस्ट है 80 रुपीज, ये कितनी बुक्स की कॉस्ट है, 8 बुक्स की कॉस्ट है. सो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट्स प्लेस. लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स इज 80 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस 80 बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स. टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 8 बुक्स की कॉस्ट तो 80 है, तो 8. नाउ आपको दिख रहा है कि वी हैव टू डिवाइड 80 बाय 8. सो व्हेन वी डिवाइड 80 बाय 8 द आंसर विल कम इज 10 रुपीज 10. इट मीन्स जो रुपीज 10 आया है ये किसकी कॉस्ट है, ये 1 बुक की कॉस्ट है, यही तो हम फाइंड आउट कर रहे थे. द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 10 रुपीज. नाउ वी हैव फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, हमने 1 बुक की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली. नाउ जब हमें 1 बुक की कॉस्ट नोन है, देन वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स. सो कॉस्ट ऑफ 1 बुक is equals to rupees 10. Now we have to find, therefore the cost of 1 book is rupees 10. Now we will find the cost of 5 books. So 5 books ki cost nikalne ke liye what will we do?
वी विल राइट हेयर द फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ वन बुक. वन बुक की कॉस्ट की हम मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बुक्स. एन ओ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स. नंबर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स में किस तरह से शो कर सकते हैं, एन ओ एन डॉट नंबर्स ऑफ बुक्स. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ फाइव बुक्स इज इक्वल्स टू मीन्स जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बुक्स. तो कॉस्ट ऑफ वन बुक्स कितनी है, 10, एंड नंबर ऑफ बुक्स कितनी फाइंड आउट करनी है हमें, 5. सो 10 इंटू 5 दैट इज 50. 10 फाइव जा 50. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ फाइव बुक्स कितना आ गया, रुपीज 50. यानी 50 रुपीज में हम 5 बुक्स क्या खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट 5 बुक्स की कितनी है, 50 रुपीज. सो वी गॉट आर आंसर. जो भी हमारे पास प्रॉब्लम थी हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. तो स्टूडेंट्स लाइक दिस वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द यूनिट्री मेथड. ओके स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट. प्लीज रिपीट द वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. And whatever worksheet I will send you, you please complete that work. If you having any problem regarding it, so you can personally message me. I will help you. Okay? Bye-bye.